हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर के अंदर कलरफुल बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी प्रोफाइल पिक्चर में आप ब्लू टिक कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। इसमें हमें सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर जाना है। ये प्ले स्टोर है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर जाना है और हमें एक एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हमें टाइप करना है प्रो पिक और एंटर कर देना है। उसके बाद हमारे सामने ये सबसे ऊपर ही आ जाएगी, प्रोफाइल पिक्चर बॉर्डर फ्रेम। इस एप्लीकेशन को हमने अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे यहाँ से ओपन कर लेना है। तो ओपन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे बॉर्डर हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके, ये देखिए कितने सारे बॉर्डर दे रखे हैं यहाँ। ये पॉपुलर में है। सॉलिड पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सॉलिड वाले हैं। ये नियोन, तो ये सारे नियोन के हो जाएंगे इसमें। ये आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के बॉर्डर हैं इसमें, ये सारे बॉर्डर। यहाँ पे बेसिक है, बेसिक वाले में कुछ इस तरीके से होंगे। फिर गोल्ड आता है आगे, देख सकते हैं हम गोल्ड में भी काफ़ी सारे हैं। उसके बाद ये फ्लोरल है, मतलब ये थोड़े फूल टाइप वाले, ठीक है, जो लड़कियों को ज़्यादा पसंद होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे सबसे आगे आ जाना है, स्क्रोल करके पॉपुलर वाले पे आना है हमें। और यहाँ पे आपको ये एक आइकन दिख रहा होगा जिसके अंदर ब्लू टिक लगा हुआ है, तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी ये लॉक है। बहुत सारी ऐप में आपने देखा होगा वहाँ पे वो पैसे मांगते हैं आपसे जिसे अनलॉक करने के, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक ऐड को वॉच करना है और ये अनलॉक हो जाएगा यहाँ से। तो हमें सिंपल इस वॉच ऐड टू अनलॉक पे क्लिक कर देना है और ये ऐड हमारे सामने चलने लग जाएगी। इसको हमने पूरा होने देना है। यहाँ पे ये टाइमिंग देख सकते हैं आप, ये चल रही है नीचे, तो इसे पूरा होने देते हैं। तो ये पूरा हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ से इसे कैंसिल कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वो लॉक का आइकन आ रहा था वो अब हट गया है। अब हम यहाँ पे इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके गैलरी में से अपनी कोई भी फ़ोटो जो हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाहते हैं उसे यहाँ पे हम लगा देंगे। तो इस वाले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे अलाउ करेंगे और उस फोटो को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो मैं जल्दी से उस फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैंने ये वाली पिक यहाँ पे अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। आप इसे पकड़ के जूम इन जूम आउट कर सकते हैं हाथ से, ये जहाँ पे आपको सेट करनी है वहाँ पे सेट हो जाएगी। ये इस तरीके से सेट हो गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे सेव पे क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे नीचे आ गया इमेज सेव्ड। मैं आपको इसे इंस्टाग्राम में लगा के भी दिखा देता हूँ, प्रोफाइल पिक्चर आपको वहाँ पे इसे कैसे लगाना है। तो मैंने ये अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ऑलरेडी एक लगी हुई है। मैं आपको इसी में चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ एडिट प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ चेंज प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करना है और उस प्रोफाइल फ़ोटो को जो हमने अभी बनाई है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें न्यू प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और गैलरी में चले जाएंगे, इसे यहाँ से अलाउ कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यही वो फ़ोटो थी जो हमने अभी सिलेक्ट करी थी। तो इसको डन कर देंगे, एक बार और डन करेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो गई है मेरी प्रोफाइल पिक्चर, ये लग गई है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपनी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पिक्चर के अंदर कलरफुल बॉर्डर लगा सकते हैं और उसमें ब्लू टिक को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।